नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिनका नाम है स्वरा भास्कर। आप कहेंगे एक्ट्रेस हुआ करती थी, मैंने क्यों कहा? दरअसल कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ में है नहीं, फिल्मों में वो नजर आ नहीं रही है और सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने लुक की वजह से वो ट्रोल हो रही है। लोग उनके निकाह पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पति फहाद अहमद पर सवाल उठा रही है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ और स्वरा भास्कर की तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फर्क देख लीजिए, एक ने मुस्लिम से शादी की, उसकी हालत देख लीजिए। तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में लोग कह रहे हैं कि देखिए कैटरीना कैफ जिन्होंने विकी कौशल से शादी की, जो सनातनी बनती हुई नजर आ रही है, दोनों में फर्क देख लीजिए। इस फर्क को आप किस तरह से देखते हैं ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन स्वरा भास्कर अपने पति के लिए और खासकर महाराष्ट्र चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी के एंटी होकर प्रचार कर रही है, सोशल मीडिया पर लोग जमकर स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को तो देख लीजिए, बाद में इस माहौल में आइएगा। आपको बता दें स्वरा भास्कर की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने के लिए गई थी। ये वो सज्जाद नोमानी है जो इन महाराष्ट्र चुनावों में डंके की चोट पर बीजेपी या फिर महायुति को हराने की बात कर रही है। वो सीधे तौर पर महायुति का कैंडिडेट खड़ा हो वहां वहां उसे हराइए। नोमानी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है और जब इसी नोमानी से मिलने के लिए पहुंची स्वरा तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब ऐसे में जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी स्वरा भास्कर को जमकर ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान वायरल है और उसी बयान को शेयर करते हुए अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, ये औरत जब दिल्ली में थी तब इसने खुलकर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाने वालों का समर्थन किया था। पाकिस्तान गई तो कहा कि पाकिस्तान का गुणगान करने लगी। आज महाराष्ट्र में है तो वोट जिहाद के लिए नबी की गुस्ताखी का नारा लगा रही है। बस सर तन से जुदा कहना रह गया। हैरान हूँ कि एक हिंदू परिवार में इसकी परवरिश कैसे, किसने की होगी। अशोक श्रीवास्तव ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, स्वरा भास्कर को प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रचूड़ जी के एक साथ गणपति जी की चरण वंदना करने पर एतराज था। अब मुंबई में पति को चुनाव जिताने के लिए वोट जिहाद वाले मौलाना नोमानी की चरण वंदना कर रही है। अब स्वरा भास्कर को लेकर अशोक श्रीवास्तव ने जिस तरीके से ट्वीट किया उस पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रियाएं दी वो भी देख लीजिए। हर्ष कुमार लिखते हैं, 16 आना सही अशोक जी, औरत शब्द का प्रयोग करने के लिए भी धन्यवाद। जिसके जवाब में अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, ये वास्तव में औरत है हर्ष जी, इसीलिए इसे औरत कहा। सौरभ चतुर्वेदी ने लिखा, स्वरा भास्कर भारत 1000 वर्षों तक गुलाम इसलिए नहीं रहा कि मुगल बहुत बहादुर थे, बल्कि गुलाम इसलिए रहा कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं थी। भारत में स्वरा भास्कर जैसे जयचंद बहुत हैं, स्वरा भास्कर जैसे गद्दार लोगों की इस देश में कमी नहीं है, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, आत्मघाती हमलावर कैसे बनते हैं, या कोई कैसे धर्म के नाम पर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी फट जाता है भीड़ में, ये सब पहले मैं सोचता था, फिर आज स्वरा भास्कर का स्पीच सुना तब लगा कुछ भी संभव है, ब्रेन वॉश हो जाए तो मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, हिंदू समाज के लिए कलंक, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे ऐसे लोगों के कारण, जब खुद को काटेंगे तब पता लगेगा कि मोदी सही कह रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक और यूजर ने लिखा, ब्रेन वॉश कैसे होता है और ब्रेन वॉश कोई भी हो सकता है, उसका एक लेटेस्ट उदाहरण है स्वरा भास्कर का स्पीच। तो देखा आपने किस तरीके से स्वरा भास्कर को न सिर्फ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ट्रोल किया, उन पर सवाल उठाए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो इसी तरीके से ट्रोल हो रही हैं। स्वरा भास्कर को लेकर, उनके इस नए लुक को लेकर जो सामने आया है, जो तस्वीर सामने आई है, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।